हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग। सो टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे क्वांट के एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड्स एंड स्ट्रीम्स से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक, जो अगर आप एग्जाम टाइम पर यूज करते हैं तो बाकी स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में ना सिर्फ आप क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व कर पाएंगे बल्कि एक्यूरेसी के साथ कर पाएंगे। देखिए, मैं आपको हमेशा यही बात कहता हूँ कि कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, चाहे एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवे या यूपीएससी या कोई स्टेट लेवल का एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, देखिए जो मेन दो फैक्टर्स जो रोल प्ले करते हैं आपके सिलेक्शन में वो है, देखिए आपकी स्पीड से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और आपकी एक्यूरेसी कितनी है। और देखिए, जो आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो हर वीक डिस्कस करता हूं, उसमें देखिए मैं आपको ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स डिस्कस करता हूं आपके साथ जिनसे आप क्वेश्चंस को जल्दी एग्जाम टाइम पर सॉल्व कर पाए, ताकि आपका जो अटेम्प्ट्स है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, वो आप मैक्सिमाइज कर पाए। और आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट ट्रिक। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखिए, आपकी स्क्रीन के सामने देखिए लिखा हुआ एक फॉर्मूला कि इफ द स्पीड डाउनस्ट्रीम इज ए किलोमीटर बराबर एंड द स्पीड अपस्ट्रीम इज बी किलोमीटर बराबर, देन देखिए ये मैं आपको बताऊं फॉर्मूला, उससे पहले देखिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि डाउनस्ट्रीम क्या होता है और अपस्ट्रीम क्या होता है। तो वो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं एक एग्जाम्पल के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल एक रिवर है, ठीक है रिवर में पानी फ्लो कर रहा है, ठीक है, आप ऑब्वियसली बात है, अगर देखिए अगर रिवर में पानी फ्लो कर रहा है तो उसकी एक अपनी स्पीड होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं जैसे ये रिवर है, ठीक है, अब उसमें देखिए जो पानी फ्लो कर रहा है इस डायरेक्शन में कर रहा है, तो उसकी स्पीड फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं x किलोमीटर बराबर, ठीक है। यानी फॉर एग्जाम्पल एक रिवर ले ली मैंने और उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है उस रिवर में, उसकी स्पीड जो है वो x किलोमीटर बराबर, और उसकी डायरेक्शन भी देखिए मैंने आपको यहाँ पे दिखा दी है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ठीक है, अगर फॉर एग्जाम्पल आप भी उस रिवर के अंदर फ्लो बोट के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है, तो अगर देखिए आपकी डायरेक्शन सेम है, यानी जिस डायरेक्शन में रिवर का जो पानी है वाटर फ्लो कर रहा है, अगर आपकी बोट भी अगर उसी डायरेक्शन में मूव कर रही है, और फॉर एग्जाम्पल आपकी जो बोट की स्पीड है वो है वाई किलोमीटर बराबर, तो देखिए अगर आपकी दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी वाटर जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और आपकी जो बोट जिस डायरेक्शन में चल रही है, दोनों की अगर डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में जो एक्चुअल स्पीड हो जाएगी या जो जिसे रिलेटिव स्पीड भी कह सकते हैं, वो क्या हो जाएगी, दोनों ऐड हो जाएंगे। देखिए, यानी जो आपकी बोट की स्पीड है उसके साथ जो वाटर की स्पीड है वो दोनों ऐड हो जाएंगे, तो एक्चुअल या रिलेटिव स्पीड उस केस में क्या हो जाएगा, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। इसे देखिए अगर देखिए दोनों सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, जैसे यहां पर वाटर की भी जो फ्लो था डायरेक्शन थी और रिवर की जो बोट की डायरेक्शन थी वो सेम थी, तो अगर देखिए डायरेक्शन सेम हो तो उस केस में हम कहते हैं डाउनस्ट्रीम, ठीक है। और वैसे ही अगर डायरेक्शन अपोजिट है, यानी फॉर एग्जांपल वाटर का फ्लो जो है वो इस डायरेक्शन में है जो मैंने यहां दिखा रखा है x किलोमीटर पर, बट आपकी जो बोट है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है, यानी वाटर के फ्लो के जस्ट अपोजिट, और स्पीड सेम है बोट की y किलोमीटर पर आवर, तो उस केस में जो एक्चुअल स्पीड होगी या रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी देखिए y माइनस x किलोमीटर, यानी जो बोट की स्पीड है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो वाटर की स्पीड है उसको, तो ही हमारे पास जो एक्चुअल स्पीड है, रिलेटिव स्पीड है, वो आ पाएगी। तो जब हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो वाटर के फ्लो के कंपैरिजन में, तो उस केस में उसे कहते हैं अपस्ट्रीम। तो पहले तो देखिए ये दोनों चीजें आपको पता होना बहुत जरूरी है कि डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम क्या होता है। अगर आप सेम डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हो, चाहे वो वाटर हो गया या इसके हम एयर का भी एग्जांपल लेते हैं, जैसे कई बार आप जानते हैं कि विंड की स्पीड कई बार बहुत तेज चल रही होती है, तो अगर आप विंड की स्पीड के डायरेक्शन में चल रहे हैं तो उस केस में जो आपकी स्पीड है वो ऐड हो जाएगी विंड की स्पीड के साथ, बट यही अगर आप विंड की जो स्पीड है जिस डायरेक्शन में विंड चल रही है अगर आप उसके अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो आपकी एक्चुअल स्पीड क्या होगी, जो आपके व्हीकल या आप अगर आप खुद चल रहे हैं पैदल दौड़ रहे हैं, तो आपकी स्पीड में से हमें माइनस करना पड़ेगा विंड की स्पीड, तो आपके हमारे पास एक्चुअल स्पीड आ पाएगी। तो ये चीज हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, अगर डायरेक्शन सेम है, जैसे इस केस में बोट की डायरेक्शन और वाटर का जो फ्लो कर रहा है उसकी डायरेक्शन सेम है, तो उस केस में उसे कहते हैं डाउनस्ट्रीम, और वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं स्पीड उसकी, एक्चुअल x प्लस में y किलोमीटर बराबर। यही देखिए अगर डायरेक्शन अपोजिट है वाटर के और बोट की, तो हम उसे क्या कहते हैं अपस्ट्रीम, और एक्चुअल स्पीड हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, बोट की स्पीड में से हम वाटर की स्पीड को माइनस करेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का कांसेप्ट पता चल गया। अब देखिए, अब हमें अगर किसी क्वेश्चन में, किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर ये दे दिया जाए कि द स्पीड डाउनस्ट्रीम इज ए किलोमीटर बराबर, ठीक है, एंड द स्पीड अपस्ट्रीम इज बी किलोमीटर बराबर। अब देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड का क्या मतलब है, डाउनस्ट्रीम का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल इसमें देखिए डाउनस्ट्रीम का मतलब, जैसे फॉर इसमें मैं ऐड कर लेंगे, इसमें मतलब डाउनस्ट्रीम में ऐड हो जाएगा एक तो वाटर की स्पीड भी
और जो बोर्ड की डायरेक्शन है, जिस दोनों की डाउनस्ट्रीम का मतलब मैंने आपको पहले ही बता दिया, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, यानी वाटर का फ्लो जो है वो भी सेम डायरेक्शन हो रहा है और बोर्ड का भी। तो डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या हो जाएगा इसमें, हम इसे एक्स, मैंने एक्स और वाई ले रखा था, तो एक्स प्लस वाई दोनों एड हो जाएंगे। यानी जैसे मैंने डाउनस्ट्रीम स्पीड यहाँ पे ले रखा है, द स्पीड डाउनस्ट्रीम इज ए किलोमीटर बराबर, तो ए किसके इक्वल हो जाएगा एक्स प्लस वाई के। और सिमिलरली जैसे हमने एग्जाम्पल वो लिया स्पीड अपस्ट्रीम को ले रखा है बी किलोमीटर बराबर, तो बी किसके इक्वल हो जाएगा, अगर मैंने अगर बोट की स्पीड जो है y है तो y माइनस एक्स होता है, ठीक है। तो देखिए डाउनस्ट्रीम में जो है ये चीज देखिए आपको हमेशा ध्यान देना है, चाहे हम बात करें डाउनस्ट्रीम की या अपस्ट्रीम की, उसमें देखिए तो हम जिस भी फॉर एग्जांपल बोट से अगर हम ट्रेवल कर रहे हैं तो उसकी स्पीड और जो वाटर का फ्लो है उसकी स्पीड डाउनस्ट्रीम के केस में दोनों ऐड हो जाएंगे, और अपस्ट्रीम के केस में हम माइनस करेंगे बोट की स्पीड में से वाटर का जो फ्लो है, जो उसकी स्पीड है उसको माइनस करेंगे, ठीक है। ये चीज आपको पता होना चाहिए कि डाउनस्ट्रीम के अंदर दोनों स्पीड्स इंक्लूड होती है, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में दोनों स्पीड्स इंक्लूड होती है, एक तो जिस स्पीड से हम ट्रेवल कर रहे हैं यानी जो बोट की स्पीड है और जो वाटर की स्पीड है। अब देखिए सेम डायरेक्शन में दोनों अगर ट्रेवल कर रहे हैं वाटर और बोट, ठीक है, तो उसके से हम डाउनस्ट्रीम की बात करेंगे, और अगर अपोजिट डायरेक्शन है तो अपस्ट्रीम, ठीक है। तो देखिए आपको स्पीड डाउनस्ट्रीम दे रखी है ए किलोमीटर बराबर, और अपस्ट्रीम स्पीड दे रखी है बी किलोमीटर बराबर, और वहीं पर आपसे ये पूछा जाए कि आपको स्पीड बतानी है स्टिल वाटर की, यानी स्टिल वाटर की अगर आपको स्पीड पूछी जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, सॉरी स्पीड इन स्टिल वाटर, सॉरी मिस हो गया, स्पीड इन स्टिल वाटर मतलब आप बोट, अगर आप फॉर एग्जांपल बोट से ट्रेवल कर रहे हैं तो उस बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, अगर आपसे वो कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 a प्लस में b, a क्या है यहां पर डाउनस्ट्रीम स्पीड और b क्या है अपस्ट्रीम स्पीड, a प्लस b किलोमीटर बराबर, ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी उस बोट की स्पीड स्टिल वाटर में क्या होगी, यानी अगर वाटर बिल्कुल स्टैग्नेंट है मतलब बिल्कुल भी फ्लो नहीं कर रहा तो उस केस में बोट की स्पीड क्या होगी, अगर आपसे वो कैलकुलेट करने को कहा जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1/2 a प्लस में b किलोमीटर बराबर, a है हमारा डाउनस्ट्रीम स्पीड और b है अपस्ट्रीम स्पीड, और यही आपसे रेट ऑफ स्ट्रीम पूछ लिया जाए, रेट ऑफ स्ट्रीम मतलब जो वाटर है जो वाटर बॉडी है उसकी अगर आपसे स्पीड पूछ ली जाए तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, तो 1/2 a माइनस में b किलोमीटर बराबर, अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रेट ऑफ स्ट्रीम, यानी जो स्ट्रीम यानी जो वाटर बॉडी है उसका वो किस उसकी स्पीड कितनी है, वो किस फ्लो से मूव कर रही है, तो वो हमारे पास आ जाएगा 1/2 a माइनस b किलोमीटर बराबर। और यही आपसे सिर्फ ये पूछा जाए कि स्पीड इन स्टिल वाटर, यानी अगर वाटर बिल्कुल स्टैग्नेंट है स्टिल है तो उस केस में अगर उस बोट की स्पीड कितनी होगी, वो कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, 1/2 ब्रैकेट में a प्लस b किलोमीटर बराबर। तो आई होप सो देखिए इन दोनों फॉर्मूलेस को प्लीज नोट डाउन कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपके साथ दो क्वेश्चंस भी इस तरीके के डिस्कस करता हूं ताकि आपका कोई भी आपको डाउट ना रहे, वो कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए कि कैसे इस फॉर्मूले को अप्लाई करना होता है। अब देखिए इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम, ठीक है, एक घंटे के अंदर एक बोट जो है गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, ठीक है। ये भी चीज देखिए आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है कि अलोंग द स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, अलोंग द स्ट्रीम का मतलब है जिस डायरेक्शन में वो स्ट्रीम यानी जो वाटर बॉडी का फ्लो कर रही है उसी डायरेक्शन में जो है आपकी बोट भी ट्रेवल कर रही है, यानी 11 किलोमीटर पर आवर हमारी क्या है यहां पर डाउनस्ट्रीम स्पीड, ठीक है। इन 1 आवर अ बोट गोज 11 किलोमीटर पर आवर अलोंग द स्ट्रीम, अलोंग द स्ट्रीम मतलब डाउनस्ट्रीम, यानी वाटर का जो फ्लो है और जो हमारी बोट है दोनों की डायरेक्शन सेम, तो डाउनस्ट्रीम स्पीड आ गई हमारे पास 11 किलोमीटर पर आवर एंड 5 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम मतलब अपस्ट्रीम, यानी जो वाटर का फ्लो है जिस डायरेक्शन में और जो हमारी बोट है उनकी डायरेक्शन क्या है अपोजिट है, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 5 किलोमीटर पर आवर। और ये चीज देखिए आपको हमेशा पता ही होगी या मैं आपको बता भी देता हूं कि डाउनस्ट्रीम स्पीड जो है हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा ही होगी, अगर आपको फिर भी कभी कंफ्यूजन हो कि अलोंग द स्ट्रीम या अगेंस्ट द स्ट्रीम में, तो चीज आपको हमेशा ध्यान देने की डाउनस्ट्रीम जो स्पीड है वो हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होगी, बस वो केस अगर स्ट्रीम की स्पीड ही कोई नहीं है यानी अगर आप स्टिल वाटर में ट्रेवल कर रहे हैं तो उस केस में तो देखिए डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम का मतलब दोनों इक्वली हो जाएंगे, बट अगर वाटर बॉडी जो है जिसमें आप फ्लो कर रहे हैं जिसमें आपकी बोट ट्रेवल कर रही है अगर उसकी भी अपनी स्पीड है तो उस केस में डाउनस्ट्रीम जो है हमेशा अपस्ट्रीम से ज्यादा होगी, ठीक है। चलिए तो देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास डाउनस्ट्रीम स्पीड भी आ गई 11 किलोमीटर पर आवर, अपस्ट्रीम भी आ गई, अब हमें निकालना है द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर,
यानी उस बोट की स्पीड स्टिल वाटर में, स्टैग्नेंट वाटर में कितनी होगी। अब देखिए मैं आपको फॉर्मूला बताया, अब देखिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में आप इसे सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मूला है 1/2 a + b किलोमीटर पर आवर, तो a + b क्या है 11 + 5 हो जाएगा 16, तो 2 चला जाएगा काट जाएगा 8, 2 8 जाएगा, तो यानी स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया 8 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब देखिए स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर हमारे पास आ गया 8 किलोमीटर पर आवर, तो यहां से देखिए हम स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी निकाल सकते हैं। देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड कैसे हमारी आती है, डाउनस्ट्रीम स्पीड हमारी किससे मिलके बनती है, एक तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस में उस जो वो वाटर बॉडी है उसकी स्पीड। तो देखिए 11 में से अगर आप 8 माइनस कर देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 3 किलोमीटर पर आवर, यानी यहां पर 3 किलोमीटर पर आवर क्या है जो स्ट्रीम है जो वाटर बॉडी है उसकी फ्लो उसकी स्पीड कितनी है वो है 3 किलोमीटर पर आवर, और आपकी बोट की कितनी है 8 किलोमीटर पर आवर। और आप इस फॉर्मूले से भी जो 1/2 a माइनस b किलोमीटर पर आवर जिससे हमारे पास स्पीड ऑफ द स्ट्रीम आ जाती है वहां से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 11 में से देखिए 5 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 में से अगर आप 5 माइनस करेंगे तो आ जाएगा ये 6 और 2 3 चला जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, चलिए तो आई होप सो देखिए आप चाहे फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं, वैसे भी अगर आपको डाउनस्ट्रीम स्पीड पता है और स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर पता है तो आप ऑब्वियसली बात है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी निकाल लेंगे, क्योंकि डाउनस्ट्रीम स्पीड किससे मिलकर बनती है, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर प्लस में स्पीड ऑफ द स्ट्रीम से। ठीक है, तो इसे देखिए प्लीज नोट डाउन कर ले, और एक और क्वेश्चन आपसे इसी तरीके का डिस्कस कर लेता हूं। अ बोट इज रनिंग डाउनस्ट्रीम, अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ठीक है, तो देखिए डाउनस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, देखिए जैसे ही आपको इंफॉर्मेशन दे दी गई है कि अ बोट रनिंग डाउनस्ट्रीम कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 16 किलोमीटर इन 2 आवर्स, तो देखिए स्पीड क्या आ जाएगी डाउनस्ट्रीम हमारे पास 8 किलोमीटर पर आवर, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड होगी। व्हाई फॉर कवरिंग द सेम डिस्टेंस मतलब 16 किलोमीटर अपस्ट्रीम इट टेक्स 4 आवर्स, तो अपस्ट्रीम स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस तो देखिए सेम है 16 किलोमीटर और अपस्ट्रीम कवर करने में कितना टाइम ले रहा है 4 आवर्स, तो 4 पे कट जाएगा तो हमारे पास अपस्ट्रीम कितनी आ गई 4 किलोमीटर पर आवर। मैंने आपको बताया था कि डाउनस्ट्रीम स्पीड हमेशा अपस्ट्रीम स्पीड से ज्यादा होती है, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर, तो स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कैसे निकालते हैं 1/2 a + b किलोमीटर पर आवर, a + b क्या हो जाएगा 8 + 4 12 ब्रेक कट जाएगा 6 पे, तो हमारे पास आ गया स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर कितना आ गया 6 किलोमीटर पर आवर। यहीं पर अगर आपसे स्पीड ऑफ द स्ट्रीम पूछा जाए तो आप इस डाउनस्ट्रीम स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर में से 6 किलोमीटर पर आवर को माइनस करेंगे तो आपके पास स्पीड ऑफ द बोट स्पीड ऑफ द स्ट्रीम भी आ जाएगा 2 किलोमीटर पर आवर। तो आई होप सो आपको देखिए बोट्स एंड स्ट्रीम्स का छोटा सा एक कांसेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर अगर मैं आपको बात करूं चाहे हमारा एसएससी का एग्जाम हो गया, बैंकिंग का हो गया, रेलवे का हो गया। एक बार तो देखिए बैंकिंग के मेंस के एग्जाम में 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे सिर्फ बोट्स एंड स्ट्रीम्स टॉपिक्स। ठीक है, तो देखिए इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप यहां से समझ सकते हैं, इसलिए आपको किसी भी टॉपिक को लाइटली नहीं लेना, और जितने भी मैं आपको कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं उसको आपको प्लीज नोट डाउन करते चलना। ठीक है, तो देखिए आज की इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा कुछ और इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। सो थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट वंस अगेन।